प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं पादप उत्तक। तो बेटा प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्या होता है, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एक तो हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। समझ में आया यहाँ तक? दो टाइप के होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। देखो जैसा कि इनका हिंदी नेम समझते हैं अपन, विभाज्य उत्तक और एक है स्थायी उत्तक, है ना। इनकी स्थायी उत्तक विभाज्य उत्तक का बिन से ही इनकी डेफिनेशन बनेगी। कैसे बनेगी? देखो विभाज्य, जैसे एक बाप के दो बेटे हैं, अब दो बेटे हैं तो बाद में क्या होगा, प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, उसी को साइंस के टर्म में बोलते हैं विभाजन करना। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो विभाज्य मतलब ऐसे उत्तक या ऐसे टिश्यू जो बाद में दो पार्ट में टूट जाए या फिर दो से ज़्यादा पार्ट में टूट जाए, उसको बोलेंगे अपन मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोलेंगे? वे टिश्यू जिनमें आगे सेपरेट होने का प्रॉपर्टी पाई जाती या फिर जो आगे जाके विभक्त हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, दो से मतलब एक से ज़्यादा पार्ट में टूट जाएंगे, उनको बोलेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू। अब देखो इसका मतलब परमानेंट, जो आगे जाके दो पार्ट में नहीं टूटे, जैसे कि स्थायी उत्तक बोलते हैं हिंदी में इसको, स्थायी मतलब जो परमानेंट है। जैसे मान लो ये पेन है, अब ऐसा तो है ही नहीं कि इस पेन को मैं आज रख के जाऊंगा और कल आके देखूंगा तो दो पेन मिलेंगे मुझे, नहीं मिलेंगे। तो ये क्या परमानेंट है? दो दस साल बाद भी आप इसको देखोगे तो परमानेंट रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैं एक पेड़ लगा दूं, आज इतना सा टिंगड़िया सा है, लेकिन मैं 10 दिन बाद देखूंगा तो इतना हो जाएगा, 1 महीने बाद इतना, और 1 साल बाद देखूं तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो उसमें कौन से टिश्यू है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, लेकिन पेड़ के कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो आगे नहीं बढ़ते, मतलब आप उसको 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, 10 साल बाद भी देखोगे तो ऐसा कैसा ही होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू। तो दो टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट में, पहला मेरिस्मेटिक जो आगे जाके पार्ट में डिवाइड हो सके, आगे जाके विभक्त हो सके, और परमानेंट मतलब जो आगे जाके विभक्त नहीं होंगे, स्थायी है, बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे एज इट इज रहेंगे, कितना ही टाइम हो जाए उसके अकॉर्डिंग। दो टाइप के, अब समझते हैं अपन मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, शीर्ष पार्श्व, सॉरी 3 टाइप के होते हैं, शीर्ष पार्श्व और अंतर्वेशी। इंग्लिश में समझेंगे एप्रिकल, लेटरल, इंटरकेलेरी। देखो एप्रिकल, लेटरल, इंटरकेलेरी, बोलिए एप्रिकल, लेटरल, इंटरकेलेरी। ठीक है, तो अब समझते हैं एप्रिकल क्या होता है। जैसे मान लीजिए देखो ये पेड़ है, सपोज कीजिए अब इस पेड़ में ब्रांचेज रहेगी और उन पे पत्ती रहेगी। ठीक है, ये पेड़ है, अब इस पेड़ में मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, क्योंकि प्लांट में ही होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दोनों ही। तो इसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू किस तरीके से रहेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्रिकल की। ये जो एप्रिकल है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो ये हमेशा शीर्ष पे होता है। शीर्ष का मतलब जैसे पेड़ का जो सबसे आखिरी का पार्ट है, जैसे मान लो इस पेड़ की बात करें, यहाँ से चलते हैं आगे जा रहा है, ये जा रहा है इधर जाएंगे तो ये यहाँ जाके रुक गया ना, तो ये क्या हो गया इसका शीर्ष, क्या हो गया शीर्ष। ऐसे मान लो इधर से इधर नीचे आए तो यहाँ जाके रुक रहा है, तो ये क्या हो गया शीर्ष। ठीक है, तो ये एप्रिकल टिश्यू हमेशा टॉप पे होते हैं। जैसे अगर अपनी बॉडी की बात करें, जैसे मान लो मैं यहाँ से ये जाऊँ तो लास्ट में जाके यहाँ जाके मेरा शीर्ष आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन एप्रिकल, क्या बोलते हैं एप्रिकल। और ऐसे मैं मेरे पैरों में देखूंगा तो पैरों की उंगलियों पे आगे जाके मेरे शीर्ष है, तो वहाँ भी होगा एप्रिकल। ऐसे पौधे की बेटा जो ऊपर का टॉप होता है और नीचे की जो रूट्स होती है, क्या होती है रूट्स, ऊपर का टॉप और नीचे की रूट्स, मतलब शीर्ष और रूट, इनमें पाया जाता है एप्रिकल। कौन सा पाया जाता है? एप्रिकल। अब देखो एप्रिकल का काम क्या है, देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरी उंगली बढ़ेगी तो मेरे हाथ की लंबाई बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। मान लो ये मेरी 4 उंगलियां, ये ऐसे थोड़ी लंबी हो जाए, तो ये लंबी होगी तो मेरे हाथ की तो लंबाई बढ़ेगी ना। अब लंबाई बढ़ेगी तो इसका मतलब याद रख लो कि एप्रिकल होते हैं वो लंबाई बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक है, लेंथ कौन बढ़ाते हैं एप्रिकल। कहाँ पाए जाते हैं? रूट और टॉप। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा लेटरल। लेटरल होते हैं बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व। जैसे ये मेरी बॉडी है, अगर मैं इसे ऊपर बढ़ रहा हूँ, मेरी हाइट बढ़ रही है तो एप्रिकल, लेकिन मैं मोटा हो रहा हूँ ऐसे मेरी मोटाई बढ़ रही है, तो मोटाई तो साइडों में से बढ़ती है भाई। लेंथ तो मैं ऊपर बढ़ूंगा नीचे बढ़ूंगा उसको बोलेंगे लेंथ। अगर मान लो मैं आज मेरी लेंथ ये है और 10 दिन बाद मेरी लेंथ यहाँ आती है, तो मैं कहाँ बढ़ा, या तो नीचे बढ़ाऊँ या ऊपर बढ़ाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से फैल रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ, तो मोटाई कौन बढ़ाएंगे? लेटरल, जिनको अपन बोलते हैं पार्श्व। तो लेटरल कहाँ पाए जाएंगे बताओ मेरे को? यहाँ। अब ये क्या होता है पेड़ का? तना। जिसको अपन बोलते हैं अपन स्टेम। क्या बोलते हैं?
स्टेम, तो स्टेम में पाए जाते हैं आपके लेटरल, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अंतर्वेशी इंटरकेलरी, ये क्या होते हैं। देखिए ये दोनों समझ में आ गया आपको, एप्रिकल और लेटरल। एप्रिकल वो हो जो लेंथ बढ़ाए और जो मोटाई बढ़ाए वो लेटरल। अब ये इंटरकेलरी क्या होते हैं ये इसको समझिए बेटा। ये ज़्यादातर घास में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? देखो जैसे मान लो घास का मैदान, इसमें ये घास का पौधा है। अब ये घास का पौधा है ना, तो इसमें जो इंटरकेलरी ना ये ऐसे रहेगा जगह छोड़ छोड़ के, यहाँ इंटरकेलरी, यहाँ इंटरकेलरी, यहाँ इंटरकेलरी, यहाँ इंटरकेलरी। अब इसका काम क्या है, मान लो गाय या भैंस ने इस घास को खा लिया, यहाँ से घास को खा लिया। अब यहाँ से घास को खा लिया है ना, यहाँ से घास ने खा लिया, अब यहाँ पे गाय ने खाया तो यहाँ से दोबारा बढ़ना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से दोबारा से ये फूट जाएगा, दोबारा से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये इंटरकेलरी क्या करता है कि मान लो पेड़ को कुछ क्षति हो गई, कट गया, टूट गया, तो वहाँ से दोबारा से ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाए, उसका काम कौन करता है? इंटरकेलरी। ज़्यादातर जितने भी जो घास के पौधे होते हैं ना, जो चारा के पौधे होते हैं, वो चारे वाले पौधों में सब में इंटरकेलरी ज़्यादा पाया जाता है। आया नहीं आया समझ में आपको? इंटरकेलरी क्या होता है कि पेड़ को अगर आप काट दो तो वहाँ से फिर भी पेड़ उग जाए, तो उसको कौन उगाता है? इंटरकेलरी उगाता है। लेंथ कौन बढ़ाता है? एपिकल। मोटाई कौन बढ़ाता है? लेटरल। तो लेंथ एपिकल बढ़ाएगा, इधर से लेटरल लंबा आपकी मोटाई बढ़ाएगा, और जो इंटरकेलरी है ये अगर मान लीजिए पेड़ कट गया, टूट गया, फट गया, तो उसको वापस से ग्रो होने में मदद करेगा, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा ये तीनों ही देखो, ये क्या स्टेबल है, ये आगे बढ़ रहे हैं, ये भी लंबा हो रहा है, लंबाई बढ़ा रहा है, ये मोटाई बढ़ा रहा है, और ये क्या कर रहा है, पेड़ को दोबारा से उगा रहा है। तो तीनों ही कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला अपने, विभाज्य ऊतक, क्योंकि कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपन परमानेंट टिश्यू। देखो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है भाई, जो आगे ग्रो नहीं करे। जैसे ये मेरिस्मेटिक टिश्यू है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बढ़ बढ़ के बिल्कुल बढ़ना बंद कर देता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो बच्चे रहते हैं ना, 14 से 15 साल में उनकी लंबाई बढ़ती जाती, लेकिन 20-21 साल होते होते उसकी लंबाई रुक जाती है, रुकती नहीं रुकती। ऐसे पौधों में भी होता है, पौधों में भी क्या होता है, एक टाइम तक तो हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन बाद में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं पौधे के जो बढ़ना बंद कर देते हैं। जैसे आपने आसपास देखा होगा कुछ नीम के पौधे वगैरह देखे होंगे, जिनकी मोटाई आज से 10 साल जो होती, 10 साल पहले जो होती, वो आज भी आपको ऐसे जैसे दिखेगी। पुरानी जो नीम वगैरह के पौधे आप देखोगे ना, पुराने, उनमें होते हैं ये। तो परमानेंट टिश्यू का काम ये होता है कि ये ग्रोथ नहीं करवाते पौधे की, ये अपना स्टेबल रहते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है वो समझते हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। याद रखना है परमानेंट टिश्यू कौन बनते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू ही बाद में क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जब ग्रो करना बंद कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यू। तो ये दो टाइप के हो गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल क्या होते हैं, देखो ये तीन टाइप के होते हैं, मृदु, स्थूल कोण, दृढ़। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। अब ये क्या होते हैं इनको समझिए। देखो पौधे आपने देखे होंगे कि नरम होते हैं, बहुत सारे पौधों की जो डालियाँ हैं वो नरम होती, से ये इधर उधर वो न जाते है ना, झुक जाता है इधर उधर। तो ये झुक जाना, इधर उधर झुक जाना, ये क्वालिटी किसकी वजह से होती है, ये होती है बेटा पेरेनकाइमा की वजह से। मृदु का मतलब है नरम, क्या होता है, नरम। फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। जिस भी पौधे में पेरेनकाइमा होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो इधर उधर झुक जाता है, ठीक है। और ज़िंदगी में झुकना सही है, क्योंकि देखो जब बाढ़ आती है ना, तो जो पौधे झुक जाते हैं ना वो अपनी जगह पर रह जाते हैं, और जो नहीं झुकते उनको नदियाँ उखाड़ के ले जाते हैं। देखा आपने ये बंजर, जाना आप जहाँ पे नदी आती है ना बड़ी, वहाँ पे देखना आप कि जो पौधे झुक जाते हैं वो वहाँ के वहीं रहते हैं, और जो नहीं झुकते वो नदी उनको उखाड़ के ले जाती, जड़ों समेत ले जाती। तो झुकना भी ज़रूरी रहता है ना, जब टाइम ऐसा है तो झुक जाना चाहिए। ये आपको कौन सिखाता है, पेरेनकाइमा। कौन सिखाता है, तो मृदु कौन बनाता है, झुकने वाला कौन बनाता है, पेरेनकाइमा। इससे थोड़ा कम लचीला होता है कोलेनकाइमा, मतलब ये फुल लचीला, ये थोड़ा कम लचीला रहेगा कोलेनकाइमा। और सबसे ज़्यादा जो लचीला नहीं रहेगा, जो कठोर रहेगा, दृढ़ रहेगा, वो कौन रहेगा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, या फिर दृढ़ उत्तक, ये बिल्कुल नहीं झुकता है। आपने देखा होगा जो बहुत सारे जो बड़े बड़े पौधे रहते हैं उनमें कुछ पार्ट जो उनकी जो गांठें रहती है, जड़े बहुत मोटी हो जाती है ना, और वो ना तो कटती भी आसानी से नहीं है, और फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं रहती हो। जैसे आपने लकड़ी के जो बड़े मोटे मोटे लट्ठे आते हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल कहाँ रहते हो, तो वो उनमें होते हैं दृढ़ उत्तक, या फिर स्केलेनकाइमा, जो बिल्कुल जैसे दातुन, नीम के दातुन वगैरह आते हैं। अब वो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, अपन मंजर कर लेते हैं उनसे, इससे बड़ी बात क्या होगी बताओ, हाँ ठीक है। तो पेरेनकाइमा,
कोलन कायमा, ये दोनों क्या है, थोड़ा झुकाओ वाले टिश्यू है, ये लचीले होते हैं। पेरेन्काइमा भी लचीला होता है, कोलेन्काइमा भी लचीला होता है। अब बात करते बेटा अपन कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में देखो एक तो होता है फ्लोइम, एक होता है जाइलम। फ्लोइम और जाइलम क्या होते हैं, फ्लोइम और जाइलम देखो, अब पौधे में खाना कौन बनाती है, फ्लोइम बनाता है, पत्तियाँ बनाती है, कौन बनाती है, पत्तियाँ बनाती, कैसे बनाती है, सन से सनलाइट लेगी, लेकिन सनलाइट से खाना थोड़ी बनता है, ऑक्सीजन लेगी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, ऑक्सीजन तो इंसान लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, सनलाइट लेगी, उसके साथ साथ वाटर भी चाहिए। अब वाटर तो जड़ों से लेगी, अपन तो पौधों में पानी डालने जाते नहीं रोजाना, भाई पत्ते को पानी दे ले, ये एक लीटर ले, बंदी लगा दी अपन ने पानी की रोजाना की, भाई पावर पानी दे के जाऊँगा मैं तेरे को, ऐसा तो अपन करते ही नहीं। तो उसको पानी कहाँ से लेना पड़ता है, पानी लेना पड़ता है उसको जड़ों से, कहाँ से लेना पड़ता है, जड़ों से। तो जड़ों से मान लो ये पौधा है, ये पौधा है, अब पानी तो यहाँ है, वाटर तो यहाँ है जड़ों में, अब पत्ती यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पानी को पहुँचाने का ये एक पाइपलाइन होती है, जैसे आपके घर में पाइपलाइन आती है नल की, ऐसे पौधों में भी जड़ों से लेके पत्ती तक पाइपलाइन होती है। अब ये जो पाइपलाइन है इसी को अपन बोलते हैं बेटा जाइलम, क्या बोलते हैं, जाइलम, क्या बोलते हैं, तो पौधों में पानी पहुँचाने वाला या फिर मिनरल्स पहुँचाने वाला जो टिश्यू रहता है उसको क्या बोलते हैं, जाइलम, क्या बोलते हैं, जाइलम, समझ में आया। अब पत्ती ने खाना बना दिया, अब देखो अब यहाँ यहाँ पे खाना बनाए सपोज करो, तो अब वो खाना इस ये पत्ती तो खुद तो बना लेगी, लेकिन इससे यहाँ भी आएगा ब्रांच में, जड़ों में भी खाना चाहिए, तने को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, अब खाना तो सबको चाहिए, लेकिन बनाती तो पत्ती ही है, तो उस खाने को वहाँ तक पहुँचाएगा कौन, तो उसको पहुँचाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, तो उसको पहुँचाने के लिए होता है बेटा फ्लोइम, कौन होता है, फ्लोइम। तो ये हो गया अपना प्लांट टिश्यू, दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले लंबाई बढ़ाएगा एप्रिकल, मोटाई बढ़ाएगा लेटर, इंटर गैलरी पॉपिस ग्रो करने में काम करती है, ठीक है, और पेरेन्काइमा सबसे ज़्यादा लचीला, उससे कम लचीला कोलेन्काइमा, और बिल्कुल कठोर स्केलेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में फ्लोइम काम करता है खाना पहुँचाने का, और जाइलम काम करता है पानी पहुँचाने का, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्लांट टिश्यू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।